good job. Let's read the question. Water falls from height of 500 meter. The rise in temperature of water at bottom, if whole of energy remains in water, will be. Specific heat of water is C equal to 4.2 kilojoule per kg per degree Celsius. So, बच्चों हम मान लेते हैं डायग्राम से कि इस पर्टिकुलर हाइट जिसको कि क्वेश्चन में दिया गया है 500 मीटर, यहाँ से वाटर फॉल होता है. अब जब वाटर फॉल होता है तो हमें बॉटम पर फाइंड करना है कि वाटर के टेम्परेचर में कितना राइज हो चुका है. इट मीन्स हमें फाइंड करना है द राइज इन द टेम्परेचर डेल थीटा, जहां की हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 इन एस आई यूनिट. बट ये ध्यान रखना है कि जो हमें जूल है वो किस में गिवन है, किलो जूल में गिवन है. सो इसको हम पहले ही कन्वर्ट कर देंगे, 4.2 मल्टीप्लाई 10^3 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. सो बच्चों अब हम लेंगे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट है दैट इज इक्वल्स टू द एनर्जी यूज टू हीट अप द वॉटर. सो यहाँ लेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट में एम जी एच और हीट एनर्जी गेन्ड में लेंगे हम मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर. इट मीन्स वॉटर ने एम सी डेल थीटा एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है. एम एम कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा डेल थीटा इक्वल्स टू जी एच डिवाइडेड बाय सी. वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू है 500, डिवाइड करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10^3 से. सो बच्चों यहाँ से मिल जाएगा हमें 1.16 डिग्री सेल्सियस. सो वॉटर में जो टेम्परेचर राइज हुआ दैट इज करेक्ट एज ऑप्शन बी. थैंक यू.